नमस्कार। इस वीडियो में हम बहरापन, कान से कम सुनाई देना या कान से बिल्कुल सुनाई ना देना की होम्योपैथिक दवा के बारे में जानेंगे, तो आइए समझते हैं। कान के जरिए आवाज़ दिमाग तक जाती है और हमें समझ आता है कि हमने क्या सुना है। कान एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है शरीर का, इसकी मदद से ही हम सुनते हैं। सुनने में जब दिक्कत आने लगे, कम सुनाई दे या सुनाई देना बंद हो जाए, तो इसे ही बहरापन कहा जाता है। अगर बच्चों में बचपन से ही बहरेपन की समस्या है, तो उसे बोलने में भी दिक्कत होती ही है। बहरापन के कारण को समझ लेते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, तो यह समस्या आपको हो सकती है। बहरापन पूरी तरह न सुन पाने को भी कहते हैं या थोड़े सुनने को भी कहते हैं। अगर आप 100 dBA लेवल से अधिक शोर वाली जगह पर रहते हैं, तो सुनने की क्षमता में कमी आ सकती है। अगर आपके माता या पिता को बहरेपन की समस्या आ गई है, तो एक उम्र के बाद आपको भी यह समस्या हो सकती है। अगर बच्चे समय से पहले पैदा हो गए हैं, तो उन्हें बहरेपन की समस्या हो सकती है। और जब वह सुन नहीं पाएंगे, तो बोलेंगे कैसे? तो उन्हें सुनने और बोलने दोनों की समस्या हो जाती है। कुछ इन्फेक्शन के कारण भी बहरापन की समस्या हो जाती है। अब बहरापन के लक्षण को समझ लेते हैं। सुनाई ठीक से नहीं देगा, क्योंकि आवाज़ को हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। कानों में सनसनाहट भी महसूस हो सकता है हर वक्त। कान खराब होने पर चक्कर भी आ सकता है। अगर आपको इन्फेक्शन के कारण कान में समस्या होती है, तो कान में दर्द भी होगा। कभी कभी डबल साउंड भी सुनाई देता है। अब बहरेपन की मुख्य होम्योपैथिक दवा के बारे में समझते हैं। सबसे पहली दवा है चिनोपोडियम 30 CH। यदि ठीक से सुनाई ना दे या फिर पूरा बहरापन हो, तो यह दवाई बहुत ही फायदेमंद है इस समस्या के लिए। कानों में सनसनाहट की समस्या को भी यह दवाई ठीक करती है। इसकी 2 बूंद दिन में 3 बार लगभग 6 महीने तक जीभ पर टपकाना है। इससे बहरेपन की समस्या ठीक हो जाएगी। दूसरी दवा है चिनिनम सल्फ 3X। यह दवाई बहरेपन के कारण होने वाली समस्याओं जैसे चक्कर आना, सनसनाहट महसूस होना के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको ठीक से सुनाई ना दे, तो भी यह दवाई बहुत ही लाभदायक है। अगर आप पूरी तरह बहरे हो गए हैं, तो भी आपको यह दवा लेना है। इसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार मुँह में लेकर चूसना है। तीसरी दवा है हाइपेरिकम 200 CH। यह नसों की दवाई है। बहरेपन की समस्या होती है, वह नसों की कमजोरी की वजह से भी हो जाती है, तो यह दवाई उसे ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर नसों की कमजोरी की वजह से सुनने में दिक्कत हो रही है, तो इस दवाई की 2-2 बूंद दिन में 2 बार लेना है लगभग 3 महीने तक। बराइटा कार्प 200 CH। अगर अधिक उम्र होने के कारण सुनने में दिक्कत हो रही है, तो यह दवाई जरूर लें। अगर आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, तो यह दवाई भी बहुत फायदेमंद है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 2 बार लेना है। कालीफॉस 6X, यह नसों के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, तो यह दवाई जरूर लें बहरापन के लिए। इसकी 6-6 गोली दिन में 3 बार मुंह में लेकर चूसना है। एक आती है मुलेन ईयर ड्रॉप। यह कानों के लिए बहुत ही अच्छी ड्रॉप है। यह ड्रॉप कान की किसी भी समस्या के लिए लाभदायक है, चाहे आपको कम सुनाई देता हो या बिल्कुल नहीं सुनाई देता हो, या फिर कान में दर्द हो, तब भी यह दवा बहुत लाभ देता है। इसकी 2-2 बूंद दोनों कानों में दिन में 2 बार टपकाना है। इसे 6 महीना का इस्तेमाल जरूर करें। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी हो, तो वीडियो के अंत में बताए गए मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सभी दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे मिल जाएगा। अगर आपको समझने में किसी तरह की परेशानी है या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पुराना रोग है जो ठीक नहीं हो रहा, तो आप कमेंट में उस रोग के बारे में बताएं। अगली वीडियो में उस रोग की होम्योपैथिक दवा के बारे में बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।